न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गेहूं खरीद की मंडलीय समीक्षा बैठक। लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं की कम खरीदारी पर जताई नाराजगी। कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भेजने के दिए निर्देश। कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त व जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया राजघाट स्थित राप्ती नदी के तट पर बन रहे घाट व नाले का निरीक्षण। कार्यदायी संस्था को 3 दिनों के अंदर अपनी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि मोबाइल ओपीडी का मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। स्वास्थ्य के साथ राजस्व मामलों का भी हो रहा है मौके पर निदान। ग्रामीणों को नहीं लगाने पड़ रहे हैं तहसील और थानों के चक्कर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई माइक्रो फाइनेंस कंपनी नगर निगम एवं नगर पंचायतों के अधिकारियों की बैठक। कहा, शिविर लगाकर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में उपलब्ध कराए ऋण। बेलीपर थाना क्षेत्र के डेहरा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। एसपी साउथ ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी वैधानिक कार्रवाई। सदर तहसील में बनाए गए विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों का एसडीएम सदर ने किया निरीक्षण। कहा, सावधानी है कोरोना से बचाव। पीपीगंज थाना क्षेत्र के भीटी तिवारी में बदमाशों द्वारा बंधक बनाकर लूटपाट की घटना के 48 घंटे बाद भी दहशत में दंपत्ति। डीआईजी और एसएसपी ने किया मौके का निरीक्षण, दिया आश्वासन। कहा, अपराधी जल्द होंगे सलाखों के पीछे। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में संपन्न हुई पैथोलॉजी सेंटरों के संचालकों की बैठक। कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पैथोलॉजी सेंटरों की है महत्वपूर्ण भूमिका। कोविड-19 के प्रति लोगों में चेतना जागृत कर मास्क लगाने और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ किया गया फ्लैग मार्च। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की गई अपील। गोरखपुर में सोमवार को मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज। जनपद में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 240। 11 लोगों की हो चुकी है मौत। 166 लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। एक्टिव केस 63। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। 22 जून से समस्त राजस्व एवं चकबंदी न्यायालय में शुरू हुआ काम, लेकिन वादकारियों की अनुपस्थिति के कारण नहीं हुए कार्य। कोविड-19 को देखते हुए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है सघन वाहन चेकिंग अभियान। बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के काटे जा रहे हैं चालान। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण में आई है काफी कमी। लोगों से की अपील। कहा, अगर दिखाई दे कोरोना का लक्षण तो तत्काल कराएं इलाज। और शिक्षक भर्ती को लेकर कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराने की मांग।